नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में, हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा में दबंग हिंदू सेना ने किया शिविर का आयोजन, 3 दिवसीय शिविर में दिया गया शस्त्र प्रशिक्षण, लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए किया गया तैयार। देवास की बेटी ने किया नाम रोशन, तेलुगु फिल्म से किया इंडस्ट्री में डेब्यू, 19 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म उरुखी धारणा। राजगढ़ में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन, कार्यक्रम में राजपूत समाज के लोग हुए शामिल, वरिष्ठ और रिटायर्ड बुजुर्गों का हुआ सम्मान। बीते दिन उज्जैन जिले के तराना में दबंग हिंदू सेना द्वारा आयोजित 3 दिवसीय शिविर का समापन हुआ। इस 3 दिवसीय शिविर में शस्त्र प्रशिक्षण दिया गया। वहीं आखिरी दिन बालिकाओं को विश्व मंगल अखाड़े की खलीफा मुस्कान दिनेश सिसोदिया ने जो प्रशिक्षण दिया, उसकी कुछ झलकियां बालिकाओं ने दी। इस अवसर पर दबंग हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश पुरी महाराज ने अपने उद्बोधन में कहा कि जो बालिका अपने आप को सुरक्षित करना चाहती है तो वह पॉजिटिविटी के साथ आत्मरक्षा के लिए भी तैयार हो। इस दौरान कई प्रबुद्ध जन कार्यक्रम में मौजूद थे। गर्ल्स वगैरह अपनी आत्मरक्षा खुद कर सकते हैं। इन दिन का शिविर लगा जिसमें तराना तहसील की लड़कियाँ अधिक से अधिक उपस्थित होकर अपनी आत्मरक्षा सीखने के प्रति जो चीजें हैं वो सब सीख सकती थी, और इनसे ये उम्मीद करना चाहते हैं कि आगे भी गर्ल्स को बताएं। मैं ये कहना चाहता हूँ, महत्वपूर्ण तो यही है, क्योंकि केवल सुनने से कुछ नहीं होगा जब तक हम सीखेंगे नहीं। अब मोबाइल पर केवल हम अपनी आंखें खराब कर लें, और जितनी विकृति समाज में आई है वो सब मोबाइल के द्वारा आई है, क्योंकि मोबाइल के द्वारा या तो मीडिया के द्वारा पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण बढ़ा है। हमने जो देखा वो किया, हीरो जो हमें करते हुए नजर आते हैं हमारे बच्चे वही करने लग जाते हैं, जो एक हीरोइन करते नजर आती है हमारे बच्चे वही करने। मालवा में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, खासकर बात करें देवास की तो इसका कोई तोड़ नहीं है। आज हम मालवा की एक ऐसी बेटी से आपका परिचय करवा रहे हैं जो देवास जिले की है और इंदौर में रहती है। इस प्रतिभावान युवती का नाम है दीपाली शर्मा, जिसने 2017 में एक्टिंग के क्षेत्र में कदम रखा और 2 सालों तक सीरियल्स, एल्बम्स और एडवर्टीजमेंट में एक्टिंग करने के बाद बड़ी छलांग लगाते हुए टॉलीवुड में कदम रखा है। और पहले ही प्रयास में उसे तेलुगु फिल्म उरुखी उथारना में लीड रोल मिला है। यह फिल्म आगामी 19 नवंबर को रिलीज होगी और 88 थिएटर्स में एक साथ दिखाई जाएगी। बता दें, रिलीजिंग के बाद जल्द ही यह फिल्म हिंदी में भी डब की जाएगी। पर मेरा जो जर्नी है वो इंदौर और देवास जिले से ही शुरू हुआ है। बेसिकली आई एम एन इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, बट स्टार्टिंग से ही एक्टिंग और डांस को लेके काफी शौक रहा है मुझे, पर कभी सोचा नहीं था मैंने कि उसको मैं अपना प्रोफेशन बना लूंगी। तो जर्नी ऐसे शुरू हुई कि मैं कथक सीखने जाती थी, एंड जो मेरे गुरु हैं दिग्विजय सर एंड दीपिका मैम, उनको स्टार्टिंग से ही लगता था कि मुझे एक्टिंग में ट्राई करना चाहिए। सो वो मुझे हमेशा इनक्रेज करते थे उसके लिए कि तुझे तुझमें कैपेबिलिटीज हैं, दैट यू कैन बिकम एन एक्टर, यू शुड ट्राई वंस एटलीस्ट। तो उन्होंने मेरे मॉम डैड को कन्विंस किया कि दीपाली को एक बार जॉब छोड़ के और एक्टिंग में ट्राई करना चाहिए, एंड माय मॉम डैड वर वेरी सपोर्टिव एंड उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। और फिर 2017 में मैं पहली बार मुंबई गई एक्टिंग में ट्राई करने के लिए। सो स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स मुश्किल होता है, बिकॉज आप इंजीनियरिंग छोड़ के एक्टिंग स्टार्ट करोगे तो शुरुआत से सब कुछ शुरू करना है। सो बट बाय गॉड्स ग्रेस आई स्टार्टेड गेटिंग एड्स, एल्बम्स एंड सीरियल्स। सो अभी गाइस मेरी मूवी आ रही है, सो 19 नवंबर को मेरी पहली मूवी रिलीज हो रही है जो कि तेलुगु में है, तेलुगु, इट्स अ तेलुगु मूवी, उरुखी उथारना। सो आई जस्ट नीड योर सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स, थैंक यू सो मच। शनिवार को राजगढ़ में राजपूत समाज ने दशहरा और दीपावली मिलन समारोह रखा। राजबाग रिसोर्ट पर आयोजित हुए इस कार्यक्रम में राजपूत समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व ऊर्जा मंत्री और खिलचीपुर विधायक प्रियव्रत सिंह भी शामिल हुए। बता दें, कार्यक्रम की शुरुआत महाराणा प्रताप की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर की गई। इस दौरान राजपूत समाज के वरिष्ठ और रिटायर्ड बुजुर्गों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया गया। वहीं प्रियव्रत सिंह ने
वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राजनीति को जनसेवा का माध्यम बनाना चाहिए और आपसी एकता स्थापित कर अन्य समाजों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने चाहिए। इस दौरान कार्यक्रम में कई प्रबुद्ध जन मौजूद थे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।